कहते हैं हुनरमंद इंसान के लिए अमीरी गरीबी मायने नहीं रखती। अगर उसको कुछ पाने की या कुछ करने की ललक हो तो वो कुछ भी कर सकता है। ये बात सच कर दिखाई है दिल्ली के रंगपुरी इलाके की झुग्गियों में रहने वाले विशाल ने, जिसने महज 20 रुपए की लागत से एक ऐसी रिमोट वाली कार बनाई जिसको देखकर हर कोई हैरान है। आपको बता दें कि विशाल अभी चौथी क्लास में पढ़ता है और वो आगे चलकर इंजीनियर बनना चाहता है। आइए सुनते हैं विशाल क्या कह रहा है। बेटे क्या नाम है आपका? विशाल। विशाल ये क्या बनाए हो आप? अच्छा कैसे बनाए हो, क्या क्या लगाए हो इसमें? इसमें एक मोटर का कलम और कुछ मोटर वाला टैल और एक पेन और एक छल्ला और कुछ बैटरी और एक चार्जर की पिन। चार्जर? अच्छा, इसको चार्ज करते हैं। ये मोबाइल बैटरी से चार्ज करके इसे चला लेते हो? अच्छा कितनी देर में बनाए थे तुम इसे? आधे घंटे में। और बनाने में जो खर्चा आया था वो लगभग कितने रुपए आया था? 20 रुपए में। 20 रुपए में तुम्हारी रिमोट वाली गाड़ी तैयार हो गई। अच्छा इसके अलावा भी चीजें बनाए हो तुम? इससे पहले भी कुछ बनाया था तुमने? वो कैसे बनाई थी, किस चीज से बनाई थी? उससे बनाई थी, इंजेक्शन से। अच्छा जो सिरिंज फेंक देते हैं उससे? उसके वो। अच्छा बेटे आगे चल के क्या बनना चाहते हो? बेटे बड़े होके क्या बनना चाहते हो? इंजीनियर। अच्छा रहते कहाँ पे आप, किस जगह पे रहते हो? पाड़ी। रंगपुरी की झुग्गी जो है? झुग्गी पे रहते हो। और किस क्लास में पढ़ते हो? चौथी क्लास में। अच्छा स्कूल में सिखाते हैं क्या इस तरीके से बनाना आप लोगों को कुछ? ये कैसे आया दिमाग की कुछ बनाना चाहिए? खुद से ही करते हो? खुद से ही ये सब बनाते हो, करते हो? तो सुना आपने कैसे एक गरीब बस्ती में रहने वाले इस बच्चे ने अपने हुनर के दम पर ऐसी कार बनाई। इसकी शक्ल को देखिए, इसके चेहरे पर खुशी है, एक हौसला है, एक जज्बा है। इस बच्चे के लिए जिगर मुरादाबादी का एक शेर आ रहा है याद, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। SPNI News के लिए काशिफ अली की रिपोर्ट।